Hi guys, I'm Prajesh Bhatia, Delhi NCR's youngest real estate influencer and consultant, and today I'm proud to showcase to you and I'm very happy to showcase to you a very beautiful 400 square yards property in DLF Phase 2. So basically, this is the entrance of the house. Now, as we enter the house, so first, there's the huge drawing room area. You can use it as a dining area as well, but a dining lounge area has been specially given there. So I would recommend to you guys to keep the dining there and have your drawing room here. There's a beautiful chandelier right in the middle of the drawing room. Plus, it's a very beautiful niche area that has been carved out on the wall of the drawing room. But isme ek cheez hai ki light ke points nahi hue, abhi light lage hi nahi. बट जब लाइट लगेगी इट विल लुक एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली स्टनिंग. यहाँ पे सारा पत्थर वर्क करा गया है. पूरी जो वॉल है ड्रॉइंग रूम की WPC ग्रे कलर का WPC ग्रे ब्लैक एंड लाइट ग्रेश वाइट एलिमेंट्स हैव बीन यूज्ड व्हिच मेक द ड्रॉइंग रूम लुक वेरी वेरी क्लासी. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे 7-star होटल है. ये घर नहीं है, 7-star होटल है. एंड अगेन इधर भी नीश एरिया है, लाइट्स लगनी है. एंड जो ड्रॉइंग रूम है, ड्रॉइंग रूम की फॉल सीलिंग, इफ यू जस्ट लुक अप तो कितने अच्छे इन्होंने ब्लैक ग्लास एलिमेंट दिया हुआ है पूरी फॉल सीलिंग में, विच इज नॉट यूज्ड एट ऑल. आई हैव रेयरली सीन दिस एलिमेंट बीन यूज्ड इन द फॉल सीलिंग, बट इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड टू परफेक्शन. नाउ लेट्स गो टू द बालकनी. दिस इज द बालकनी एरिया. अगेन वेरी ब्यूटिफुल. दिस बालकनी इज अटैच्ड टू 2 bedrooms. सो बेसिकली ड्रॉइंग रूम एंड आगे के 2 bedroom इस बालकनी के साथ अटैच्ड है. This is an 18-meter road in front. This is a northeast facing house and बिल्कुल सामने आपके साइबर हब एंड बिल्कुल आपका गोल्फ कोर्स रोड से अप्रोच है. मतलब लोकेशन आई वुड से नॉट इवन 10 out of 10, 11 out of 10. द फ्लोरिंग हेयर इज यूज ऑल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग हैज बीन यूज. दिस मार्बल पर्टिकुलरली इज कॉल्ड अरमानी ग्रे. एंड अगेन जिसने भी कारीगर ने लगाए, जिस पत्थर वाले ने लगाए, इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड वेरी वेल. ज्वाइंट कोई नहीं दिख रहा. इट लुक्स लाइक अ सिंगल मार्बल प्लेट हैज बीन यूज थ्रू आउट द हाउस. पूरा घर सेंट्रल एयर कंडीशन है. बिल्कुल ड्रॉइंग रूम के साथ अटैच है पाउडर रूम. एंड ये पाउडर रूम का वॉश बेसिन जस्ट लुक एट इट, इंडियन लग ही नहीं रहा. ये बिल्कुल पूरा अमेरिकन यूरोपियन स्टाइल. आओ जस्ट लुक एट इट, सो ब्यूटिफुल. एंड अगेन वेरी ब्यूटिफुल प्रोफाइल लाइट. मतलब मिरर भी बहुत डिफरेंट है. यूजली क्या करते हैं लोग, LED मिरर होता है जिसका यहाँ पे स्विच होता है, बट इसके अंदर ही प्रोफाइल लाइट दी हुई. यहाँ पे नीश एरिया एंड पूरा का पूरा मार्बल. पाउडर रूम में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया क्वालिटी में या पैसे में. बहुत अच्छा माल यूज हुआ है. दिस इज द फर्स्ट बेडरूम. नो वार्डरोब्स हियर. बिल्कुल बढ़िया. आपके पीछे बेड की बैक साइड पे अच्छी HDHMR मोल्डिंग्स हैव बीन यूज, वेरी क्लासी. अब अरमानी ग्रे पत्थर देखो, कितना अच्छा पत्थर लग रहा है, कितना अच्छा मैच है. एंड सामने अगेन फुल हाइट विंडोज एंड अ वेरी नाइस व्यू. अभी तो चलो हम रात को शूट कर रहे हैं, बट दिन में नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, सुबह सुबह उठोगे, सुबह सुबह धूप इधर से आएगा, बहुत अच्छा व्यू आएगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू द ड्रेसर एरिया एंड द वॉशरूम. हियर आर द वार्डरोब्स. ये आपकी वार्डरोब्स हैं. प्रोफाइल लाइट भी अंदर है. All are factory made wardrobes. Nothing on this side in terms of wardrobes and kitchen has been used in, मतलब has been made in the side. तो क्योंकि आजकल क्या होता है, carpenters जो खुद हाथ से बनाते हैं ना, उसमें वो finish नहीं आती जो एक factory made laser cutting machine से जो finish आती है. So ये सारा factory made laser cutting machine वाले wardrobes and kitchen. आज again very very beautiful mirror. All sanitary fittings are Grohe, tap Grohe. Wash basin is Vitra. There's the shower area. See, washroom का भी door देखो, कितना heavy है, कितने मुक्के मार रहा है, अच्छा खासा मुक्का पड़ता है. But बहुत ज़्यादा rock solid दरवाजे. Each and every door is very rock solid. चौखटे भी देखो, चौखटे भी 5 inches की है. Mind blowing. This room is also fully centrally air conditioned. As I said, the whole house is fully centrally air conditioned. Now let's move on to the second bedroom. ओके, सो दिस इज द सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस. इसमें अगेन आपका सिर्फ सामने बेड का एरिया है, सामने TV पॉइंट है. बेड की जो बैक साइड है उस पर बहुत अच्छी POP ग्रूविंग हुई हुई है. जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाइल है. यहाँ पे आपका आराम से 6x6 का बेड आएगा. प्लस इधर क्या है, आपकी एक्स्ट्रा सिटिंग बन सकते हैं. सो यू कैन हैव अ 1-seater हियर, यू कैन हैव 1 nice small coffee table here एंड अनदर 1-seater हियर. ये आपका नीश एरिया है.
बेसिकली कॉलम था यहाँ पे, बट कॉलम को अच्छे से हाइड करके बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन करके वुडन के पैनलिंग करके इसमें नीश एरिया दे दे, नीश एरिया टू कीप योर शो पीसेज. जस्ट एज आई सेड कि मेरे को बहुत शौक है अब्रॉड जाके सुविनेर्स खरीदने का, तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल्सो कीप द सुविनेर्स. जरूरी नहीं है कि आप यूरोप वाले सुविनेर्स या गोवा जा रहे हो, जहाँ पे भी जा रहे हो, आप अपने हिसाब से जो आपको चीज़ अच्छी लगती है वो यहाँ पे आप छोटे छोटे सुविनेर्स रख कर पूरा रूम की एक अलग ही वाइब क्रिएट कर सकते हो. नाउ आई विल शो यू द अटैच्ड वॉशरूम इन दिस रूम. सो अगेन ड्रेसर्स आर इनसाइड, दिस इज ऑल पीयू वर्क, इसमें से कोई लैमिनेट वर्क नहीं है, सारा का सारा पीयू है. टू फुल साइज वार्डरोब्स, ऑल इटालियन मार्बल वॉशरूम, सारा का सारा. दिस इज इन अ ब्राउनिश ब्लैक टोन, डार्क ब्राउन है, बेसिकली ब्लैक भी नहीं है. एंड अगेन मिरर्स का, अगेन आई एम सेइंग मिरर्स का बहुत डिफरेंट है. मिरर के अंदर कोई प्रोफाइल लाइट स्पेशल काट के नहीं देता, बट इन्होंने दिए विच इज गिविंग अ वेरी डिफरेंट लुक एंड वॉशरूम की जो लेवल है और बढ़ा रहे. दिस इज द डब्ल्यू सी एरिया एंड दैट इज द शार एरिया. ओवरहेड शार, ऑल ग्रोहे फिटिंग्स, नॉर्मल इटालियन मार्बल बाथरूम्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे से कारीगरी करी गई, बहुत क्रिएटिव स्टाइल है इटालियन मार्बल को भी और अच्छे लुक लाने का. आ जाओ. सो नाउ वी आर डन विद द टू बेडरूम्स एंड द पाउडर रूम. सो बेसिकली एज यू एंटर द हाउस, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द हाउस. दो बेडरूम सामने, एक ड्रॉइंग रूम, दिस इज द डाइनिंग एरिया. आप डाइनिंग एरिया इसको बनाओ, फैमिली लाउंज बनाओ, मेरे लिए पूजा रूम बना लेना उसको. एंड बाकी तो बेडरूम्स और किचन है वो सेकेंड हाफ में. सो नाउ आई विल स्टार्ट विद दिस बेडरूम. दिस इज अ ह्यूज ह्यूज मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस. मतलब एंटर करते लग रहा है कि मतलब जो घर में सबका फेवरेट होगा उसका ही होगा ये, चाहे मम्मी पापा हो. मेरे ख्याल से मम्मी पापा वाला मास्टर बेडरूम है या कोई लाडले बेटे या बेटी का मास्टर बेडरूम है. जस्ट लुक एट इट, सो ह्यूमंगस. एंड अगेन यहाँ पे सारी डब्ल्यू पी सी पैनलिंग हुई है पूरी वॉल में, प्लस आई थिंक दिस और इटालियन क्लाइडिंग करी गई. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज स्टाइल ऑफ पत्थर, नो दिस इज वुडन, दिस इज वुडन क्लाइडिंग बट डन इन एन इटालियन डिजाइन. सो दिस ऑल्सो लुक्स गिव्स अ वेरी डिफरेंट लुक, मतलब जैसे राजा महाराजों के रूम वाली फील आ रही है. एंड सामने फॉल सीलिंग में सिर्फ इसके डब्ल्यू पी सी की भी पैनलिंग करी गई है, तो क्या एक नॉर्मल फॉल सीलिंग वाइट पी ओ पी फॉल सीलिंग के साथ एक वुडन एलिमेंट भी दे दी है. आ जाओ. दिस इज द मैसिव मैसिव ड्रेसिंग एरिया, सारा का सारा पी यू. पी यू इज द बेस्ट वेन इट कम्स टू वार्डरोब्स. हमेशा याद रखना जो बंदा पी यू यूज कर रहा है मतलब वो सबसे बेस्ट क्वालिटी मटीरियल यूज कर रहा है. ऑल वार्डरोब्स वन टू, ओके वन ग्लास, वेरी ब्यूटिफुल प्रोफाइल लाइट. यहाँ पे इफ एनी वन इज फॉन्ड ऑफ स्नीकर्स और शूज, इफ एनी गर्ल और गाय इज फॉन्ड ऑफ स्नीकर्स एंड शूज, यू कैन हैव काइंड ऑफ अ कंपार्टमेंट हियर एंड कीप इट हियर एंड इट विल लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग. मतलब बहुत अच्छी लुक आएगी. अगेन सारे आपके वार्डरोब्स फुल ब्लैक इटालियन मार्बल, मिरर वर्क अगेन वेरी नाइस, पूरी फुल प्रोफाइल लाइट दी हुई है. ग्रोहे टैप, ग्रोहे डब्ल्यू सी अभी लगा नहीं है बट है ग्रोहे, ग्रोहे लगा के देंगे. एंड ब्यूटिफुल शार एरिया, अच्छे से कभी स्ट्रेस आउट हो आधा घंटा शार पार्टीशन करी बंद और अपना यहाँ पे मेरा ओवरहेड शार आराम से रिलैक्स करो. आधे घंटे कोई फोन नहीं उठाना, कोई कुछ नहीं करना, आराम से यहाँ पे शार लेके बढ़िया से रिलैक्स करो, किसी की कोई फिक्र ही नहीं. वी मूव ऑन टू द फोर्थ बेडरूम ऑफ द हाउस. फोर्थ बेडरूम ऑफ द हाउस में अगेन वेरी ह्यूज, मतलब साइज 400 गज के हिसाब से भी फ्लोर प्लानिंग इतनी अच्छी करी गई है कि सारे कमरे, सारे ड्राइंग रूम, मतलब डाइनिंग एरिया, किचन, एवरीथिंग लुक सो ह्यूज बिकॉज द बिल्डर हु हैज डन इट, उसकी प्लानिंग है वो बहुत स्मार्ट है, उसने बहुत अच्छा फ्लोर प्लान निकाला हुआ. इसमें भी डब्ल्यू पी सी पैनलिंग हुई हुई है एंड दिस इज अगेन ऑल डूको पेंट. एंड यहाँ पे वुडन पैनलिंग अलॉन्ग विद अ वेरी नाइस नीश एरिया टू कीप योर वैल्यूएबल्स, टू कीप द स्टफ दैट यू वॉन्ट टू शो केस. एंड सारा अरमानी ग्रे इटालियन मार्बल, कोई रूम में वुडन फ्लोरिंग यूज नहीं करी गई, सारा का सारा इटालियन मार्बल. अच्छा एक सेकेंड, ये बेडरूम पीछे के जो दो बेडरूम्स और किचन है उनके साथ ये वाली बालकनी अटैच्ड है. दिस इज़ बेसिकली फॉर द यूटिलिटी एरिया, एसी की यूनिट, तो ये बेसिक सारा वॉशिंग मशीन, कपड़े सुखाने, ये सब आप यहाँ पे करो जो नज़रों से दूर है. सामने आपका बढ़िया फसाद, पीछे आपको कपड़े वपड़े सुखाने हैं, वॉशिंग मशीन, एसी यूनिट्स, वो सारे पीछे की तरफ. अच्छा और इवन इफ़ यू वांट टू जस्ट सिट एंड हैव अ ड्रिंक हियर, आराम से बैठो, सामने खाली लैंड है, इतना अच्छा व्यू है, इतनी अच्छी शांति है, यू विल हैव फन.
So this is the last bathroom of the house. Aa jao. We have the dresser area here. All glass doors. Again, very nice mirror. बहुत अच्छा साइज है आपके बाथरूम का. एक आप चीज नोटिस करो कि इस बाथरूम में जस्ट ये नहीं है कि वॉल को इटालियन मार्बल दे दिया, इवन द फ्लोरिंग फ्लोरिंग इज ऑल्सो इटालियन मार्बल. एंड ये साथ में ग्रूव्स देखो, साथ में ग्रूव्स भी दिए हुए हैं. मतलब डिज़ाइन जो लेवल है, अगर नॉर्मल बिल्डर्स का इतना है तो इनका इतना है. ये बिल्कुल हट के चीज़ बनाता है. ईच एंड एवरी डिटेल वेरी वेल टेकन केयर. मतलब मज़ा आ जाता है. मैं एज एन एजेंट, एज ए यूट्यूबर, एज एन इंस्टाग्रामर, मुझे अच्छा लगता है ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाने में, क्योंकि ये इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाते हैं मैं खुद ही खुश हो जाता हूँ यार कि ऐसे प्रॉपर्टी दिखानी है मेरे को. दिस इज द शार एरिया. अगेन सोच रहा हूँ मैं आज यही रुक जाऊँ. जाने का मन नहीं कर रहा इस प्रॉपर्टी से, बट चलो और भी प्रॉपर्टी शूट करने, और भी काम धंधे करने. लेट्स गो फाइनली टू द किचन नाउ. फाइनली ह्यूमंगस 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 किचन. अब मेरे को एक बार ये किचन का साइज देख के बताओ. ऐसा लगेगा कि 500 गज का किचन है, ये 400 गज की प्रॉपर्टी का लग ही नहीं रहा. इतना ज़्यादा एरिया, साथ में बढ़िया सी पैंट्री, फ्रिज का एरिया. यहाँ पे स्प्लिट एसी लगा हुआ है, बिकॉज किचन में हमेशा स्प्लिट लगता है, सेंट्रल लगाते नहीं यूजली. तो यहाँ पे डाइकिन का स्प्लिट एसी लगा हुआ है कि जो भी किचन में है, अभी तो चलो विंटर्स है, समर्स का टाइम, इफ़ यू फीलिंग हॉट, आराम से एसी ऑन करो, अच्छे से 2-3 घंटे आराम से कुकिंग करो, कोई इशू नहीं है. कैफ चिमनी कैफ की, हॉब कैफ का, माइक्रोवेव ओवन ऑल्सो ऑफ कैफ, अभी लगा नहीं हुआ बट कैफ का देंगे पक्का, मेरा वादा. एंड अगेन वेरी ब्यूटिफुल मॉडलर किचन, फुल्ली लोडेड GTPT और सारा, मतलब जो किचन का होता है सारा का सारा मॉडलर किचन देंगे. अब ये थोड़ा सा लगना है, डिश वॉशर एरिया भी इसमें अभी थोड़ा सा लगना है, अभी लगा नहीं हुआ बट वो अभी चल रहा है प्रोसेस, क्योंकि अभी लिटरली जस्ट फिनिश हुई है प्रॉपर्टी, जस्ट फिनिश होती ही मैंने शूट कर लिया. अगेन इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ से सीधा बाहर निकले, आपका वॉशिंग मशीन का भी पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पर वैसे, पर यहाँ पर भी बाहर जाके भी आप आराम से वॉशिंग कर सकते हो. प्लस इस विंडो से किचन के अंदर वेंटिलेशन और सनलाइट आ जाती है. जैसे क्योंकि सामने से नॉर्थ ईस्ट है, पीछे से साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट फेसिंग जो पीछे से होता है तो 12 से 5 तक इधर धूप आएगी. तो उससे क्या है कि किचन आपका बहुत ज़्यादा वेल वेंटिलेटेड रहेगा एंड नेचुरल सनलाइट बहुत अच्छी आएगी. तो कोई भी अगर किचन में खड़ा है तो मतलब खुशी खुशी खाना बनाएगा. वैसे ही आई होप खुशी खुशी खाना बनाते हो, बट और ज़्यादा मज़ा आएगा खाना बनाने. सो सैडली नाउ आई हैव टू कंक्लूड द हाउस टूर ऑफ दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. If you like this property, please like, share, comment and subscribe. And if you want to set up a site visit, call me on this number and I'll see you next time.